हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर टेकिंग सम क्वेश्चन आंसर एंड हियर वन क्वेश्चन नंबर वन इज हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एक्सिस बेस इज डिजोल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला गया हाउ इज द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड अफेक्टेड वैन एक्सिस बेस इज डिजोल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है और उसमें आप बेस को एक्सिस में डिजोल्व कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड की कंसनट्रेशन कैसे अफेक्ट होगी तो मैं आपसे बता दूं आप बेस की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो बेस की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयनों की क्वांटिटी भी क्या होगी बढ़ेगी क्यों क्योंकि बेस हाइड्रोक्सिड आयन बेस देते हैं तो जब हाइड्रोक्सिल आयनों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी जब आप बेस बढ़ा रहे हैं तो हाइड्रोक्सिल आयनों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी ओके स्टूडेंट्स नाउ वट अफेक्ट डज द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स हैव ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन वट अफेक्ट डज द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स हैव ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूशन ओके स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं विद एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन इन कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो सोल्यूशन कैसा होगा द सोल्यूशन बिकम्स लेस एसिडिक and cause an increase in the basicity of the solution because मैंने आपसे बोला था हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन जितनी लोअर होगी सॉल्यूशन उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा अब हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी तो भी बेसिडिटी क्या होगी इंक्रीज होगी एंड जो एसिडिटी कैरेक्टर है एसिडिक कैरेक्टर जो है वो क्या होगा डिक्रीज होगा ओके स्टूडेंट्स नाउ Do basic solutions also have hydrogen ions? क्या basic solutions hydrogen ion रखते हैं If yes एस अगर रखते हैं then why are these basic? अगर उनमें hydrogen ion है तो वो basic क्यों हैं Students ऐसा नहीं है कि hydrogen ion only वही solutions रखेंगे जिनमें acid है Basic solutions में भी hydrogen ion होते हैं but जो concentration है वो हाइड्रोजन आयनों की हाइड्रोक्सिल आयनों की कंसंट्रेशन के कंपैरिजन में कम है तो हाइड्रोक्सिल आयनों की कंसंट्रेशन एक्सिस में है इस वजह से वो एसिडिक सॉल्यूशन नहीं है बेसिक सॉल्यूशन है क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन लेस रखते हैं ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड सी ए ओ सी एल टू सी ए सी एल टू ऑक्सी क्लोराइड एंड इट्स कॉमन नेम इज़ ब्लीचिंग पाउडर इट्स कॉमन नेम इज़ ब्लीचिंग पाउडर ओके नेम दब्स्टेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यल्ड ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा ईल्ड होगा यह बताना है आपको पता है जब ब्लीचिंग पाउडर आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ठीक है द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सी एच काल्ड वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑन द ट्रीटमेंट विद द क्लोरीन यील्ड ब्लीचिंग पाउडर ओके स्टूडेंट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन होती है नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर आपको पता है हार्ड वाटर हार्ड वाटर को सॉफ्ट करते हैं तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा यूज करते हैं वॉट विल है इफ आ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हैं और इक्वेशन भी बतानी है तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है हियर इज द इक्वेशन वी हैव द फॉर्मूला सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट एन थ्री इफ वी हीट दिस कंपाउंड देन सोडियम कार्बोनेट इज इवॉल्व एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज राइट द इक्वेशन द शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पैरिस एंड वाटर we have the formula of plaster of paris caSO4 into half h2o if we add the water molecule in plaster of paris the plaster of paris is set so the reaction is calcium sulfate react with water then water add 1 and half water molecule and half molecule then two molecule calcium sulfate into टू एच टू ओ हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट की फॉर्मेशन होती है जिप्सम की फॉर्मेशन होती है अगर कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट के साथ आपने टू वाटर मॉलिक्यूल्स लगाए हैं तो उसको जिप्सम बोलते हैं और कैल्शियम सल्फेट के साथ आपने हाफ मॉलिक्यूल लगाया है तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स